24 घंटे के अंदर भारत के कई शहर निपाह वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इन शहरों के नाम इस प्रकार हैं, जहां मौजूदा सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, मू, रांची और भी शहर लगातार इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। खतरनाक वायरस निपाह तेजी से पूरे देश में फैल रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है और मरीज 24 घंटे के अंदर कोमा में चला जाता है। यह बीमारी संक्रमित स्वरों और चमगादड़ों द्वारा फैल रही है। लक्षण: बुखार, सिर दर्द, दिमागी संदेह, भ्रम, उल्टियां, मांसपेशियों में दर्द, निमोनिया के लक्षण, हल्की बेहोशी, दिमागी सूजन। अपने आप को निम्न से सुरक्षित रखें: एक, स्वरों से दूर रहें। दो, ऐसे फल न खाएं जिन्हें पक्षियों ने काटा हो। फलों को बहुत सावधानी से खरीदें और बाहर के खुले में मिलने वाले जूस का सेवन जरा भी न करें। तीन, खजूर व केले न खाएं। चार, चमगादड़ों के आवास के आसपास भी न जाएं। पाँच, कोई भी यात्रा अत्यावश्यक हो तो ही करें, संभव हो तो नहीं करें। छह, चूंकि यह वायरस अत्यधिक संक्रामक है इसीलिए बाहर का कुछ भी न खाएं न पिएं। सात, चूंकि यह स्वरों से भी फैलता है इसीलिए मांसाहार से भी बचें और ऐसी जगहों से भी जहां मांसाहार का क्रय विक्रय होता है। आठ, अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो तुरंत उसे इंटेंसिव केयर दें और उनके इस्तेमाल की किसी भी वस्तु को अलग रखें। ध्यान रखें कि जैव श्रृंखला प्रवेश करने वाला यह नवीनतम वायरस है। इसकी वैक्सीन और दवाइयां अभी प्रयोग के स्तर पर ही हैं। इंटेंसिव केयर के अलावा इसका फिलहाल कोई भी इलाज नहीं है। अभी गोरखपुर में मरने वालों की संख्या 6 पहुंची। गोरखपुर में हाई अलर्ट जारी। इस संदेश को तेजी से फैलाएं और कुछ जिंदगी बचाएं।